किया था। क्या चाहते हैं कि पवन सिंह आपके बेटी का केस के मामले में कौन सी भी आवाज उठाए? छोटू जी ये बताइए कि आप भी एक कुशवाहा समाज से आते हैं, नीतू भी कुशवाहा समाज से आती थी, और कहीं ना कहीं नीतू कुशवाहा के पिता हैं कमलेश कुशवाहा जी। ये बताइए कि आपके ये समाज बिहार में जातिवाद होता है, आपके सम्राट कुशवाहा जी हो गए, सीमा कुशवाहा जी हो गए, और उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, महाबली कुशवाहा जी हो गए, ये मैं अपने समाज के नेता से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। क्या समाज क्या होता है? समाज में मानता नहीं हूँ। आप भी किसी और समाज के हैं, ये भी किसी और समाज के, सभी लोग अलग समाज के हैं। ठीक है, और आपको पता भी है हम लोग गांव में इंटर कर रहे थे तो अभी कोई नेता आए थे, नागमणि जी थे, उन्होंने बोला कि सबको राइफल या बंदूक दे दो तभी हमारी बेटी बहन सेफ रहेंगी। ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है कि अगर राइफल हो तो लड़की राइफल लेके पढ़ने जाएगी। अभी हम लोग मौजूद हैं नीतू कुशवाहा के घर पर, जो कि इंदरपुरी थाना मीठापुर गांव है, ये जो कि मीठोपुर इंदरपुरी थाना के मीठोपुर गांव है, जो कि नीतू कुशवाहा के पिता है और नीतू कुशवाहा के माँ है। इनके बच्ची के साथ भी वही हुआ है जो श्रेया मामले में हुआ था, नवीनगर की बेटी जो श्रेया थी, ठीक वैसा ही मामला यहाँ भी हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जिस तरीके सा ये जो मामले हो रहे हैं, कभी दिन दहाड़े मुखिया की हत्या, कभी दिन दहाड़े जिम ट्रेनर की हत्या, नासरीगंज में दिन दहाड़े श्रेया का उठा का अपहरण करके उसके साथ दुर्दांत अपराध करके हत्या, और ठीक नीतू कुशवाहा के साथ भी ये मामले हुए हैं, जिसका भी डेथ बॉडी 30 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी छोटू छोटू मेहता जी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे लड़की के पिता से, बताइए कि ये मामले क्या हुए हैं और कहना क्या चाहते हैं। मामला तो मोबाइल और तेज बोलिए। मोबाइल लेकर गई, चला हमसे ली और चलाई मोबाइल, हम खा पी के सो गए और चलाते चलाते किधर किससे बात हुआ क्या हुआ, वो मोबाइल लेके चली गई है। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? वो Part 1 का BA Part 1 का परीक्षा दिए थे कौन से कॉलेज में पढ़ाई करते थे? नेहरू कॉलेज में, नेहरू कॉलेज डेहरी मनौरा तरफ मनौरा। अच्छा, BA Part 1 के स्टूडेंट थी। उसकी उम्र कितना था? 19 बरस। 19 बरस। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ होगा? अब क्या वो लोग बुलाए, कैसे बुलाए, फोन करके क्या बात हुआ, वो क्या किया, बात बुला करके उधर क्या किया, हमको कुछ मालूम नहीं। ये बात आपको मालूम कब चला कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा अनहोनी हो गया? अब होनी अभी तो 3 बजे जब स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, कितना तारीख को? 27 तारीख को, 1 बजे से 1:15 बजे से वो निकल गई है। अब 3 बजे हम लोग चेक किया तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, तो हम लोग घबराहट होने लगा, भाई मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो कहीं कोई अपहरण करके ले गया, चाहे कहीं मैंने भाग गई, किसी के साथ भाग गई, तो हम लोग चलो भाई कहीं गई होगी तो आ जाएगी, 1-2 दिन जिसे देखे थी, इसके बाद में 3रा दिन जाकर थाना में रिपोर्ट लिखवा दी। थाना के दरोगा कौन से थाना में रिपोर्ट लिखाया? इंदरपुरी में। इंदरपुरी में थाना के दरोगा क्या बोल रहे हैं यहाँ के? अभी तो कुछ अभी नहीं हुआ है कुछ थी। अपराधी पकड़ में आए हैं? हाँ, एक तो भी देख भी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची नहर में कूद गई या फिर उसके साथ कोई गलत किया? अब तो रिपोर्ट के अनुसार न कुछ होगा, क्या से हुआ है आपका किसे। बच्ची के आप एक्टिविटी जान रहे हो घर में, नीतू का एक्टिविटी जान रहे हो घर में, नीतू कैसी थी, बोलने में कैसी थी, पढ़ने में कैसी थी, व्यवहार कैसा था, ये तो मालूम आपको? वो तो सब ठीक थी, पढ़ने में तो बहुत तेज थी। अच्छा माता जी, ये बताइए कि क्या लगता है नीतू के इस मामले में, क्योंकि आपको इंसाफ मिलेगा लेकिन आप लोग जो बात अब जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो इंसाफ थोड़ा सा मिलने में आसानी नहीं। क्लियर अब तो जे साइलेंट कहले आ हुई रही है, बोल तो पा रहे हैं। मैंने बच्ची को, आपको क्या लगता है कि कोई अपराधी उसके साथ मार के फेंक दिया है, फिर क्या लगता है? अब वो सब न बताएंगे, मोबाइल से अच्छा, थाना निकले वाला से आप लोग बात किए हैं? थाना तो गए गए थे। थाना वाला साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पता ना, वो ही लोग ना कर रहे हैं, क्या करेंगे का नहीं। हालांकि माँ कुछ अभी बोल नहीं पा रही है, माँ थोड़ा सा इनको पता नहीं चल पा रहा है कि मामले हुए क्या है नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप लड़की के पिता हैं, थाना वाला आपको साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे? थाने वाले तो बोले हैं कि कल चाहे परसों, कल परसों या रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिल जाएगा। हाँ,
और जो बेथी की जो है सीडीआर के भी रिपोर्ट मिल जाएगी, देखिए कब तक मिलता है। क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए कहने का तो कहने का अनुसार तो के साथ जो आपके साथ मामले हुए हैं, आपका दर्द को मैं समझ सकता हूँ, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या लगता है कि बच्ची के साथ जो मामले हुए हैं आपको इंसाफ मिलेगा, अपराधी पकड़ में आएंगे? वो तो अब तो जन से थाना अथी जैसे बोल रहे हैं तो वो तो लगता है कि अब तो मिलेगा, लेकिन अभी देखिए अब तो बोले हैं जो नहीं करेंगे। अच्छा, थाना वाले लापरवाही कर रहे हैं या फिर देरी कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? मैं तो थोड़ा लापरवाही हो रहा है, लेकिन देखिए अब तो। छोटू मेहता जी हमारे साथ है अभी मौजूद। छोटू जी आप ये बताइए कि आप एक भी एक समाज सेवी हैं और कहीं ना कहीं एक आपकी समाज की और आपकी आपके क्षेत्र में मामले हुए हैं, इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पटना से चलकर यहाँ पे आए, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग गाँव में एंट्री किए गांव का स्थिति क्या है, गांव के लोग कितने दुखद हैं, और घर में तो आप देख ही रहे हैं ग्राउंड लेवल पर पे आप काम करते हैं, माँ कितनी मायूस हैं, पिता कितने दुखी हैं, और मैं प्रशासन से और पूरे तमाम जितने भी नेतागण हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और श्रेया के केस में जैसे प्रशासन ने सिंघम बन करके और तेजस बन के काम करके मुजरिमों को जेल भेजने का काम किया, उनके माँ बाप को उनके समाज को हक दिलाने का काम किया, वैसे ही मैं प्रशासन से और सुशासन बाबू से मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी पार्टी बदलते बदलते आप तो काफ़ी थक चुके होंगे और आपका मकसद भी पूरा हो चुका है, तो अब इस बहन के लिए इस बेटी के लिए आप थोड़ा सा अपना बहुमूल समय चंद सेकेंड या मिनट का दें तो जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्रवाई हो और उन मुजरिमों को पकड़ के जेल के दफ्तर तक भेजा जा सकता है। छोटू जी बताइए कि आप भी एक कुशवाहा समाज से आते हैं, नीतू भी कुशवाहा समाज से आती थी, और कहीं ना कहीं नीतू कुशवाहा के पिता हैं कमलेश कुशवाहा जी, ये बताइए कि आपके समाज बिहार में जातिवाद होता है, आपके सम्राट कुशवाहा जी हो गए, सीमा कुशवाहा जी हो गए और उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, महाबली कुशवाहा जी हो गए, मैं अपने समाज के नेता से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। क्या समाज क्या होता है, समाज में मानता नहीं हूँ, आप भी किसी और समाज के हैं, ये भी किसी और समाज के, सभी लोग अलग समाज के हैं, ठीक है, और आपको पता भी है हम लोग गांव में इंटर कर रहे थे तो अभी कोई नेता आए थे, नागमणी जी थे, उन्होंने बोला कि सबको राइफल या बंदूक दे दो तभी हमारी बेटी बहन सेफ रहेंगी, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है कि अगर राइफल हो तो लड़की राइफल लेके पढ़ने जाएगी, राइफल लेके एग्जाम देने जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत बात बोले। कहीं ना कहीं भड़काऊ बातें जो नेता लोग बोलते हैं, लेकिन एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से मामले होते हैं ये काफी झकझोर देने वाली घटना है। नीतू कुशवाहा के साथ, नीतू कुशवाहा के माँ हैं, उनके पिता हैं, यहाँ पर समाज सेवी छोटू मेहता जी हैं जो कि तिलोथू प्रखंड से भी आते हैं, लेकिन आप सोचने वाली ये बात है प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है कि नीतू कुशवाहा का हत्या 27 तारीख को होता है, घर से 27 तारीख को निकलती है, उसका डेड बॉडी दूसरे दिन मिलता है, मिलने के बाद पिता को मालूम दो दिन के बाद चलता है, और थाना प्रभारी अभी तक उस पर भी हाथ पर हाथ डालकर बैठे हुए हैं, जो कि मामला इंदरपुरी थाना का है। मैं पूछना चाहूँगा बिहार सरकार से, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी से, कि आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपके नवीनगर में श्रेया के साथ ऐसा मामला घटता है, आपके इंदरपुरी थाना और ठीक उसके बगल में इंदरपुरी थाना में आपके नीतू कुशवाहा के साथ वही घटना घटते हैं, समाज के नेता चाहे जो भी हैं कुशवाहा समाज के नेता, अपने आप को जो लोग बोलते हैं कि मैं इस समाज का नेता हूँ उस समाज के नेता हूँ, सीमा कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, महाबली कुशवाहा जी, फतेह बहादुर सिंह हमारे अभी वर्तमान राजद के विधायक हैं, और मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि नीतू कुशवाहा को इंसाफ दिलाने में आप लोग साथ दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग बेकार की राजनीति करते हैं, क्योंकि भाई किसी की बेटी मर रही है, किसी की बहन मर रही है, किसी दिन दहाड़े मुखिया पति का हत्या होता है, किसी जिम ट्रेनर का हत्या होता है, बिहार में यानी कि काराकाट लोकसभा में काफ़ी ये हत्याएं ये मामले बढ़ रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आप क्या चाहते हैं, एसपी साहब नीतीश कुमार जी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे अपना जो व्यक्ति है दरिंदा है उसे इंसाफ दिलाए, सच्चाई के दरिंदों को पकड़ा, सच्चाई के दरिंदों को पकड़ा जाए। जब से हमारा नहीं थी निकलेगा तब तो लड़ते लड़ते नहीं करेंगे हम,
फिलहाल आप देख रहे थे अभी हम लोग यानी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग अभी मौजूद थे इंद्रपुरी थाना में, जो कि इंद्रपुरी थाना के अंतर्गत आता है, मीठूपुर गांव आता है उसी गांव में। अभी फिलहाल छोटू मेहता जी बताइए कि पार्षद पवन सिंह जी भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी राय क्या है, क्या कहना चाहें? नहीं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पवन सिंह इतना रैलियां करते थे चुनाव में, अभी श्रेया हत्याकांड में भी उन्होंने जाने का काम किया, उनकी वाइफ गई, अभी तक यहाँ तो लगता है मुझे 4 से 5 दिन हो गया, अभी तक पवन जी का कोई फोन कॉल भी आया था क्या? फोन कॉल भी नहीं आया था, नहीं। उनके तरफ से कुछ भी मतलब उस तरह का कुछ ये नहीं आया। ठीक है, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जात की राजनीति ना करें, किसी पार्टी की राजनीति ना करें, जन की राजनीति करें, समाज की राजनीति करें, और इस बेटी को, इस बहन को किसी जाति के लेवल से जोड़कर ना देखा जाए। यानी कि पवन सिंह जी का भी अभी तक फोन इस परिवार के पास नहीं आया है। पवन सिंह भी आपके काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हुए थे, पवन सिंह आपके पास फोन किए थे या नहीं किए? नहीं किया। क्या चाहते हैं कि पवन सिंह आपके बेटी का केस के मामले में पवन सिंह भी आवाज उठाए? हम चाहेंगे ना जब आए हुए आके अपना केस के बारे में। चलिए, तो पवन सिंह से लेकर तमाम लोगों पर यहाँ पर लोग जिस तरीके से बातें बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पवन सिंह जो भी दिखाई पड़ रहा होगा, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी ये बातें दिखाई दे रही होगी, और कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी ये बातें दिखाई दे रही होगी कि कमलेश मेहता जी और माता का नाम क्या है इनका, ललिता देवी, नीतू की माता पिता है, नीतू कुशवाहा के माता पिता है, थोड़ा इनके ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिए, और ध्यान देने के साथ साथ यहाँ के थाना प्रभारी जो भी लापरवाही कर रहे हैं या तो उनको सस्पेंड किया जाए या फिर उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी मामले हैं जल्द से जल्द उसको खुलासा करने का प्रयास करें।